बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रही हूं। अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल कोलकाता में आज भी संदीप घोष से सीबीआई पूछताछ करेगी और ये लगातार चौथा दिन होगा, क्योंकि अभी तक सीबीआई पिछले तीन दिन लगातार संदीप घोष से पूछताछ कर चुकी है। आज चौथे दिन संदीप घोष से फिर सीबीआई पूछताछ करेगी। पूछताछ के लिए सीबीआई ऑफिस पहुंच गए संदीप घोष। पिछले तीन दिन में अभी तक 40 घंटे सीबीआई ने संदीप घोष से पूछताछ की है। 100 से ज्यादा सवालों की फेहरिस्त उनके सामने रखी गई, जिसके जवाब सीबीआई ने उनसे लिए हैं। हालांकि जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक संदीप घोष के जवाब से सीबीआई बहुत संतुष्ट नहीं है, खासतौर से वो सवाल कि इस वारदात के बाद मौकाए वारदात सेमिनार हॉल के सामने वाले कमरे की दीवार क्यों तोड़ी गई। इसका कोई संतोषजनक जवाब संदीप घोष सीबीआई को नहीं दे पाए हैं। तो आज एक बार फिर पूछताछ के लिए सीबीआई ऑफिस पहुंच गए हैं पूर्व प्रिंसिपल आर्जिकर मेडिकल कॉलेज के संदीप घोष। संदीप घोष ही प्रिंसिपल थे जब कोलकाता में डॉक्टर बिटिया के साथ रेप और बर्बरता से उसकी हत्या की गई थी। संदीप घोष ही प्रिंसिपल थे जब इस केस को लेकर कई तरीके के ऐसे सवाल उठे जिससे लापरवाही का ये मामला साफ तौर पर नजर आया था और लीपापोती की एक कोशिश अस्पताल प्रशासन की तरफ से, अस्पताल प्रबंधन की तरफ से नजर आई। इसी को लेकर सवालों के घेरे में आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष, जिनसे आज चौथे दिन लगातार सीबीआई पूछताछ करने जा रही है। और इस बीच कोलकाता कांड के खिलाफ आज भी रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल, आप जानते हैं, देश भर में जारी है। दिल्ली में आज सड़क पर ओपीडी लगाने की तैयारी में है डॉक्टर्स, एम्स के रेजिडेंट डॉक्टर्स दिल्ली में निर्माण भवन के बाहर सड़क पर आज ओपीडी लगाएंगे। सड़क पर ओपीडी लगाने का मतलब यह है कि सड़क पर बैठकर आज मरीजों का इलाज करेंगे डॉक्टर्स। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारी सहयोगी अचातिका इस समय मौजूद है। अचातिका, डॉक्टर्स आज सड़क पर बैठकर इलाज करने की तैयारी में हैं, क्या कह रहे हैं डॉक्टर्स आपके साथ, क्या कुछ डॉक्टर्स मौजूद हैं, जरा जानिए उनसे। रुमाला, देखिए डॉक्टर्स कह रहे हैं कि वो सड़क पर बैठकर इलाज करेंगे, जो अस्पतालों के ओपीडीज हैं वहाँ से हड़ताल पर हैं, लेकिन डॉक्टर्स लगातार अपने हड़ताल के दौरान ये दावा कर रहे हैं कि हम ऐसे में ओपीडी ज़रूर बंद कर रहे हैं लेकिन आपातकालीन सर्विसेज यानी इमरजेंसी सर्विसेज लगातार जारी रहेंगी। लेकिन क्या वो सच में जारी हैं, ये हम ग्राउंड रियलिटी आपको दिखा रहे हैं। राम मनोहर लोहिया अस्पताल के बाहर मैं मौजूद हूँ और ऐसे परेशान लोग हमें कई सारे दिखाई दे रहे हैं। मेरे साथ कुशील जी मौजूद हैं, उनके हाथ में जो ये पर्चा है ये संजय गांधी अस्पताल का पर्चा है जो कि रेफर किया गया था इमरजेंसी सर्विसेज के लिए। उनकी बहू को वो सुबह के 4 बजे राम मनोहर लोहिया अस्पताल लेकर आए हैं, इमरजेंसी सर्विसेज के लिए लेकर आए हैं, लेकिन 4 बजे से अब 10:30 से ज़्यादा का वक्त हो गया है, अब तक मरीज को किसी ने अटेंड नहीं किया है। ऊपर से कुशील जी को पूरे अस्पताल के एक के बाद एक चक्कर लगवाए जा रहे हैं। क्या कुछ हुआ है 4 बजे से, क्या कोई देखने आया है, सब बताइए एक एक करके। अभी मैडम जी कोई देखने नहीं आया है, अभी लाइन में गए हैं तो उसका सर आए थे, उसका 23 नंबर में जाओ, 1 नंबर से 23 नंबर, 23 नंबर में जाओ, 23 नंबर नहीं है मैडम जी तो दूसरे के पास जाओ, ऐसे कर करके फिर कहता दूसरे। बिल्कुल, ये मरीजों की परेशानी है। बहुत शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए अचातिका। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो इमरजेंसी सर्विसेज जारी हैं और सुविधा में कोई दिक्कत नहीं आएगी मरीजों को, एक तरीके से उसकी ये पोल यहाँ पर खुलती हुई एक तरीके से ज़रूर नज़र आ रही है। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का हम रुख करें, उससे पहले एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से आज भी सीबीआई पूछताछ करने की तैयारी में है। संदीप घोष जो हैं वो पहुंच चुके हैं सीबीआई दफ्तर, जहां उनसे पूछताछ की जाएगी। लगातार चौथे दिन सीबीआई संदीप घोष से पूछताछ करने जा रही है। पूछताछ के लिए सीबीआई ऑफिस पहुंच गए हैं संदीप घोष, आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष। लगातार चौथे दिन संदीप घोष से सीबीआई की पूछताछ। इससे पहले तीन दिन सीबीआई 40 घंटे तक संदीप घोष से पूछताछ कर चुकी है। 40 घंटे में 100 सवाल जो सीबीआई की तरफ से संदीप घोष के सामने रखे गए और उनमें से कई सवालों के जवाब ऐसे जिससे सीबीआई संतुष्ट नहीं है, संतोषजनक जवाब संदीप घोष नहीं दे पा रहे और इसीलिए सीबीआई का घेरा संदीप घोष पर इस रूप में कसता हुआ कि एक दिन के बाद, अगले दिन, फिर अगले दिन के बाद, उसके अगले दिन, फिर उसके अगले दिन के बाद, चौथे दिन लगातार ये सिलसिला जारी है। इस बीच एक और बड़ी खबर, महिला सुरक्षा को लेकर ममता सरकार घिरती हुई नजर आ रही है।
कोलकाता के निर्भया कांड पर राज्यपाल सीवी आनंद बोस का बयान आया है, महिलाओं के लिए बंगाल सुरक्षित नहीं, ये कहना है राज्यपाल का। ममता सरकार महिला सुरक्षा में फेल हुई है। बंगाल इज नॉट अ प्लेस सेफ फॉर वुमेन। बंगाल हैज फेल्ड इट्स वुमेन, नॉट बंगाल सोसाइटी। द प्रेजेंट गवर्नमेंट ऑफ बंगाल हैज फेल्ड इट्स वुमेन फोक। दे आर स्कैर्ड, दे आर स्कैर्ड ऑफ गुंडास। दिस हैज बीन क्रिएटेड बाय a government which is insensitive to this issue. That is what is reflected in the gruesome tragedy that has taken place in RG Car. That should not be repeated again.